बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2, विच इज़ बेसिक कंसिडरेशन फॉर न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस। यानी जब आप कारोबार शुरू करने वाले होते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से बुनियादी अनासर फैक्टर को देखना चाहिए। साथ में इसी यूनिट के अंदर हम कुछ बिज़नेस प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, यानी कारोबारी मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि जो कि हर बिज़नेस को फेस करने पड़ते हैं। कंटेंट की तरफ चलते हैं तो इस यूनिट के अंदर हम तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर जो है हम फैक्टर कंसीडर टू बी स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस के ऊपर बात करेंगे और फर्दर वीडियोस के अंदर हम बिजनेस प्रॉब्लम और प्रोसेस फॉर इफेक्टिव बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे और इन द एंड हम पास पेपर का एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस 5 ईयर के अंदर जो है इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक जो है वो पेपर में पूछे गए। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूनिट 2.1, फैक्टर कंसीडर टू बी स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। देखिए, अगर आज के दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने अपना कारोबार शुरू करना है, तो वो एकदम से नहीं हो जाएगा। आपने कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उन फैक्टर को एनालिसिस नहीं करेंगे, उन चीज़ों पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि इन अ लॉन्ग रन या तो आपका बिज़नेस लॉस में जाएगा या हो सकता है आपको अपने बिज़नेस को शट डाउन करना पड़े। तो अगर हम देखें तो एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने ये देखना होगा। आपने किस तरीके का बिज़नेस करना चाहते हैं, उन बिज़नेस से रिलेटेड क्या इश्यूज़ आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं, साथ में फॉर एग्जांपल टैक्स इश्यू है, अब फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको देखना पड़ते हैं। तो अब हम डिटेल में इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ़ बिज़नेस। देखिए, जिस बिज़नेस के अंदर बहुत सारी वैरायटी, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई सिर्फ एक ही टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं। इसको एग्जांपल समझ लें कि जिस तरह एक लॉयर है तो एक लॉयर के अंदर भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, फैमिली लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर है, प्रॉपर्टी लॉयर है। इस तरह बिज़नेस यानी कारोबार की भी बहुत सारी नौइयत है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज आप ये डिसाइड करते हैं कि आप कोई एक ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करें। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल फॉर्म में है और आप क्या चाहते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब इसको आप यूँ ले लीजिए कि अगर सपोज वुड है, ठीक है, अगर हम यूँ ले लें वुड, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, जैसे वुड है, वुड क्या है? रॉ मटेरियल है। वुड से क्या बन सकता है? फर्नीचर बन सकता है। तो आप कोई एक ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें आप किसी भी रॉ मटेरियल को या रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करें। इसके बाद आप चाहें तो इस टाइप का बिज़नेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को आप क्या कर दें? सेल कर दें। साथ में अगर हम बात करें सर्विसेज की, यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई एजुकेशन है उस फील्ड से रिलेटेड या उस बिज़नेस टाइप से रिलेटेड, तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, जिनको अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपने बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले देखनी होंगी कि आप किस टाइप का बिज़नेस करना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, नेचर ऑफ़ बिज़नेस हमने कवर कर लिया, फिर अगर हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप किसे कहते हैं? यानी मिल्कियत को, यानी कि अगर आप अपने बिज़नेस को अकेले रन करना चाहते हैं, यानी अगर आप अपने बिज़नेस में एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप आप काम करना चाहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर आसान अल्फाज में कहें तो हम कह सकते हैं वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल क्या है? यानी एक ही शख्स है जो अपने बिज़नेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का अकेला जिम्मेदार होगा और बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे के सारा एक ही शख्स के अंडर में होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिज़नेस अकेले रन नहीं कर सकते, आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत होगी जो कि आपकी मैनेजमेंट में हेल्प करे, फाइनेंस मैनेजमेंट में आपके साथ रहे, बिज़नेस एंड लॉस में आपके साथ क्या हो, शरीक हो, तो आप पार्टनरशिप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। कॉर्पोरेशन को अगर हम देखें, हम कंपनी भी कह सकते हैं, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक कंपनी हो जिसमें लार्ज
लेवल पर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो या मर्चेंडाइजिंग की अगर आप वो कोई सर्विसेज आप कर रहे हो तो कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में चूंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, शेयर होल्डर्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो लिहाजा इसके लीगल स्टेटस होता है, आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। फिर हम बात करते हैं टारगेट मार्केट की। टारगेट मार्केट में आप ये देखते हैं आइडेंटिफाई हु इज़ योर कस्टमर, कस्टमर यानी कौन है जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या आपका एंड कंज्यूमर कौन होगा। हमने यूनिट वन के अंदर जो है एंड कंज्यूमर, प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर की बहुत डिटेल में बात की थी, कौन है जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। अब इसको, इस फैक्टर को देखने के लिए आपने क्या चीज़ें देखनी होगी कि आपका प्रोडक्ट किस स्पेसिफिक जेंडर के लिए आप बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल रिलेटेड प्रोडक्ट है या फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, या अगर आप एज वाइज अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप सोचते हैं कि मैं 2 से 7 साल के बच्चों की रेंज में जो है ना, मैं इनके लिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूँ या बनाऊँ या सर्विस इनकी सेल या फिर इनको सेल करूँ इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट, तो आप कर सकते हैं। हम कितनी ऐड ऐसी देखते हैं लाइक जो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड होती है, लाइक नीडो है, सेरेलेक है, तो ये क्या है जिसमें आपने अपना एक कस्टमर फिक्स कर लिया कि आप इसी के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे या मर्चेंडाइजिंग करेंगे, या अगर आप कोई सर्विस भी है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए हो सकती है। फिर है चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है लोकेशन। देखिए एक बिजनेस का सक्सेस तभी होता है कि अगर उसका राइट प्रोडक्ट राइट टाइम राइट प्राइस और राइट प्लेस पर हो। अगर आपका प्रोडक्ट बेशक उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने उसको ऑन टाइम अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर भी कर लिया, आपने अपनी प्राइस को, आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए आपने अपनी प्राइस को लो भी रख दिया, लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस की लोकेशन सही नहीं रखी, यानी आपने उसको सही प्लेस पर नहीं रखा, तो होगा क्या कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा। इसको हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एसी मैन्युफैक्चरिंग की है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस भी आपने लो रखी है, सही टाइम पर आपकी फैक्ट्री में तैयार भी हो गया है, लेकिन आपने उसको एक ऐसी जगह सेल करने रखा है जो सारा साल उस इलाके में सर्दी होती है, तो कोई आपका एसी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, डेफिनेटली वो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये फैक्टर कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, विच इज़ सबसे 5 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटल एंड फाइनेंस अरेंजमेंट। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके बिजनेस के लिए कितना कैपिटल जो है ना रिक्वायर्ड होगा, यानी कि आप किस बिजनेस की तरफ, अगर आप चाहें मैन्युफैक्चरिंग करें, मर्चेंडाइजिंग करें, उसके लिए कितना मनी जो है आपके बिजनेस को चाहिए होगा। साथ साथ में आपने ये भी देखना है जितने भी पॉसिबल एक्सपेंसेस हैं, अब एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, हो सकता है आपका अगर जो आपके लिए फैक्ट्री में लेबर काम करें उनको वेजेस देना, साथ में अगर आप देखें आपके यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर हो सकता है रॉ मटेरियल की परचेज में आपके, ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपने इन फैक्टर्स को देखना होगा, और इसके अलावा अगर हम देखें तो रेंट है, तो ये सारे पॉसिबल एक्सपेंसेस को देखते हुए और आपका प्रोडक्ट जो है कितनी कॉस्ट लेगा उसके अकॉर्डिंग आपने कैपिटल या फाइनेंस को अरेंज करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंपटीशन की, मुसाबिकत। देखिए मार्केट के अंदर, ये बात आप हमेशा याद रखें, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें तो मार्केट में कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर प्रोडक्ट का मार्केट में इजीली हमारे पास सब्स्टिट्यूट मौजूद है। अगर सब्स्टिट्यूट को आसान अल्फाज में समझे कि एक टूथपेस्ट की ही एग्जांपल ले लें, उसमें मार्केट में आपको 10 तरह की वैरायटी मिलेगी, 10 अलग अलग कंपनी मिलेगी, तो ऐसे में आप अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट लाइन प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको उस कंपटीशन को देखते हुए और मार्केट एनालिसिस करते हुए, रिसर्च करते हुए आपने अपने प्रोडक्ट को बनाना है। फिर हम बात करते हैं बिज़नेस रिस्क। देखिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस में रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो याद रखें आपको उसका रिटर्न भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हो, लाइक अगर आप टोबैको आइटम है उसका कोई, अगर आप बिज़नेस कर रहे होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, तो हो सकता है ड्यूटी रिलेटेड आपके पास कोई पॉलिसी हो, या फिर अगर आप बात करें कोई ऐसा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करें जिसका फैशन ही इन ना हो, यानी अगर आप समर रिलेटेड क्लॉथ बना रहे हैं लेकिन आपने उसको मार्केट में तब लेकर आए जब विंटर है, तो डेफिनेटली कोई आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा क्योंकि फैशन चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो लोग विंटर रिलेटेड क्लॉथ खरीदेंगे। तो सही, आपने फैशन को देखते हुए उसी टाइम पर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना ही तो ये रिस्क है। इस तरह से उस प्रोडक्ट की क्या आज के दौर में नीड है कि नहीं है, लोग उसको यूज़ करेंगे कि नहीं। इसके अलावा अगर देखा जाए आग वगैरह है या अर्थ, ये जो अगर हम देखा जाए तो इस तरह के भी रिस्क हैं, या मार्केट में प्राइस की फ्लक्चुएशन को भी हम देखना होगा। ये बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। साथ में कोशिश करनी चाहिए, नंबर 8 फैक्टर, कि आप वो बिजनेस स्टार्ट करें आपने जिसमें आपकी या तो एजुकेशन हो या उसके उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस या स्किल हो। देखिए, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगी, या अगर आपकी एजुकेशन होगी तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। देखें, इसको एग्जांपल लेते हैं, अगर एक डॉक्टर है, वो आई स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो ये सोचता है कि वो पार्ट टाइम जो है ना वो हार्ट के पेशेंट्स को भी देखेगा, तो क्या आप सपोज कर सकते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट्स उसे मिलेंगे या उसका ये जो सोच है वो रेवेन्यू अर्न कर सके? कभी नहीं अर्न कर सके, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज किस में है, वो आई स्पेशलिस्ट है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें जिस स्किल है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग अच्छी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट बनाने में अच्छे हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो आप उस तरफ जाएँ। अगर आपको लगता है आप सेलिंग अच्छी कर सकते हैं, मार्केटिंग आप अच्छी कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आप काम ढूंढें। और इन द लास्ट, आप अपने बिजनेस से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, मुस्तकबिल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं? कहीं आप कोई ऐसा प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं करें जो आने वाले 5 सालों में क्या हो जाए, कोई यूज ही ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दौर में कोई कीपैड मोबाइल का काम करता है, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करे, चाहे वो उसको सेल करे, तो उसे ये सोचना होगा कि क्या 5 साल बाद भी लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये वो फैक्टर हैं जो आपको देखने होंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखते हुए आपने काम स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर कंसिडर टू बी स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस है, वो टॉपिक कम्प्लीट हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल अल्लाह हाफ़िज़।